तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन देखो शुक्र में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp की एक बहुत ही बिग अपडेट बताने जा रहा हूँ, जो कि रिसेंटली में ये जो कि फीचर WhatsApp में जोड़ा गया है, ये फीचर बहुत ही कमाल का है और इस फीचर से हम सभी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों ये जो फीचर नया WhatsApp में जोड़ा है, इसकी मदद से अगर आपके से कोई WhatsApp पे झूठ बोलता है तो आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। कैसे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको कुछ पहले इसके बारे में बता दूं कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों इसकी मदद से अगर आपके पास कोई कुछ भी मैसेज करता है, कोई पिक्चर भेजता है या फिर कुछ भी सेंड करता है आपके पास, तो आप बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं कि ये खुद से डिजाइन करके भेजा है, कि ये किसी का कॉपी करके और दोस्तों हमको फॉरवर्ड कर दिया गया है, ठीक है। सो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा अगर आपका बर्थडे है या फिर कोई भी फेस्टिवल है और वहाँ पे दोस्तों हमारा फ्रेंड जो कि विश करने के लिए बहुत सारे इमेजेस भेजते रहते हैं या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें वहाँ पे डिजाइन करके और हमारे पास सेंड करते हैं हमारे फ्रेंड या फिर हमारे फैमिली मेम्बर, और वहाँ पे दोस्तों हम समझते हैं कि ये सिर्फ हमारे ही लिए उसको डिजाइन करके और भेजा गया हमारे लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि वो कहीं ना कहीं से कॉपी करके या फिर गूगल से इमेजेस डाउनलोड करके और हमको विश किया जाता है, हमारे पास उसको सेंड किया जाता है। तो ये जो अपडेट जुड़ा है व्हाट्सएप में, इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास कोई सेंड किया है, कोई पिक्चर हो या फिर कुछ भी डिजाइन करके हमारे पास भेजा गया है, वो खुद से डिजाइन किया गया है या फिर कहीं से कॉपी करके भेजा गया है या फिर गूगल से डाउनलोड करके भेजा गया है। बहुत ही कमाल का फीचर दोस्तों व्हाट्सएप में जुड़ गया है। किसी कोई भी आपके पास कुछ भी सेंड करता है तो वहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा ये खुद से बनाया गया है या फिर किसी का कॉपी करके और हमको फॉरवर्ड कर दिया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं अपना व्हाट्सएप बंद करके कैसे किसी का भी आप झूठ बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं अपना WhatsApp ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि आप किसी के भी झूठ कैसे पकड़ सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से मैं अपना WhatsApp ऑन कर लिया और ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आपको दिख रही होगी, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप किसी का झूठ पकड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई भेजता है कुछ भी और बोलता है मैं खुद से डिजाइन करके भेजाऊँ, तो यहाँ पे आप उसका झूठ कैसे पकड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा फॉरवर्डेड के, ठीक है। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा फॉरवर्डेड का ऑप्शन। तो सिंपली ये दोस्तों किसी का कॉपी करके और सीधे सीधे हमारे पास भेजा गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। इस इमेजेस में अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरवर्डेड का जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको सीधा कोई उसके पास भेजा है और वो सीधा कॉपी करके हमारे पास फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर कोई बोलता है कि मैं खुद से डिजाइन करके और तुम्हारे लिए स्पेशली भेज रहा हूँ, तो यहाँ से दोस्तों आप उसका झूठ बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। कुछ भी अगर नीचे मैं स्क्रॉल करके बहुत सारा कुछ है मेरे पास, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो जो मेरे पास आया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉरवर्डेड का ऑप्शन, तो यहाँ पे दिख रहा होगा फॉरवर्डेड, तो बहुत सारी इमेजेस है जो कि मेरा फ्रेंड ने मुझे सेंड किया है। तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा फॉरवर्डेड यहाँ पे भी। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके पास कोई कुछ भी सेंड करके भेजता है, अगर आपका बर्थडे है तो वहाँ पे आपको विश करने के लिए कुछ भी सेंड करता है, कोई इमेजेस या फिर कोई फोटो सेंड करता है और बोलता है कि ये फोटो तुम्हारे लिए स्पेशली डिजाइन करके भेज रहा हूँ, तो जैसे ही फोटो हमारे पास भेजेगा ऊपर अगर आपको फॉरवर्डेड का ऑप्शन दिख जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये फोटो दूसरा कोई उसके पास भेजा होगा, वही फोटो आपको सेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो व्हाट्सएप का अपडेट है, इससे आप बहुत ही आसानी से किसी का भी झूठ पकड़ सकते हैं। अगर आपसे कोई झूठ बोल रहा है कि ये फोटो मैं तुम्हारे लिए बनाया हूँ या फिर तुम्हारे लिए डिजाइन करके भेजा हूँ, तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से उसके झूठ पकड़ सकते हैं। दोस्तों ये जो कि अपडेट है बहुत ही बिग अपडेट व्हाट्सएप में जुड़ गया है, हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों मैं एक बात आपको बताता हूँ कि ये जो अपडेट है ये सिर्फ बीटा वर्जन के लिए है। अगर आप व्हाट्सएप का बीटा वर्जन यूज करते हैं तभी दोस्तों ये अपडेट आपको मिल सकता है, नहीं तो अगर आप बीटा वर्जन व्हाट्सएप का यूज नहीं करते तो आपको ये फीचर आपके व्हाट्सएप में नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भी व्हाट्सएप का बीटा वर्जन यूज करना चाहते हैं, आप अपने व्हाट्सएप को बीटा वर्जन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप अपने प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको ऊपर सर्च करना व्हाट्सएप, व्हाट्सएप सर्च करने के बाद इसको ओपन कर लेना, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रोल करना है, नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ आपको मेरे मोबाइल फोन में इस टाइप का पॉपअप शो कर रहा है, लेकिन आपके मोबाइल फोन में इस टाइप का पॉपअप नहीं शो कर रहा है। यहाँ आपको लिख रहा है यू आर बीटा टेस्टर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीटा टेस्टर व्हाट्सएप का यूज करता हूँ, लेकिन दोस्तों आपके मोबाइल फोन में ऐसा नहीं लिखेगा। यहाँ आपको दिख रहा है लीव का ऑप्शन, ठीक है।
और लेकिन जब आप ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा आई एम इन। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, आई एम इन पे आपको क्लिक कर देना होगा। आई एम इन पे क्लिक करते हैं दोस्तों आप भी व्हाट्सअप का बीटा टेस्टर बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या, ऊपर आना होगा। ऊपर आने के बाद दोस्तों आपको अपने व्हाट्सअप को यहाँ से अपडेट कर लेना होगा, ठीक है। अपडेट करने के बाद दोस्तों यहाँ आपके व्हाट्सअप में भी बीटा यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, व्हाट्सअप मैसेंजर बीटा। तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो कि व्हाट्सअप बीटा वर्जन में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों मैंने जो अपडेट बताया वो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपके व्हाट्सअप में जुड़ जाएगा। जिन लोगों के व्हाट्सअप में आई एम इन का ऑप्शन यहाँ पर ना शो करे, अगर इस टाइप का पॉपअप अगर आपके व्हाट्सअप में भी शो कर रहा है और आप व्हाट्सअप का बीटा वर्जन यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं अपने चैनल पर एक वीडियो बनाकर रखा हूँ पहले से, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि आप भी अपने व्हाट्सअप में बीटा वर्जन कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने व्हाट्सअप को बीटा वर्जन में कन्वर्ट करके और बीटा टेस्टर बन जाएंगे, उसके बाद दोस्तों जो मैंने अभी अभी अपडेट बताया वो अपडेट आपके व्हाट्सअप में भी जुड़ जाएगा और आप बहुत ही आसानी से किसी के भी झूठ पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएगा और नीचे कमेंट में जरूर बताएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा के, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता। आप फ्री में बहुत सारी नॉलेज हमारे चैनल पर ले सकते हैं, मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर मोबाइल सेटिंग से रिलेटेड। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।